दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान पर एक बिल्डर ने 2 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया है। इस संबंध में वेलकम थाने में लिखित शिकायत दी गई है। वहीं दूसरी तरफ विधायक ने इन आरोपों को नकारते हुए साफ कहा कि उन्होंने किसी से कोई पैसा नहीं मांगा है। वह इस मामले में जल्द ही अपने वकील के जरिए नोटिस भेजेंगे और अगर नोटिस का जवाब नहीं मिलता तो अदालत में मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे। इतना ही नहीं, एमएलए ने साफ कहा कि अगर उन पर लगे आरोप साबित हो जाते हैं तो वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। जानकारी के मुताबिक न्यू जाफराबाद इलाके में बिल्डर का दफ्तर चलाने वाले कासिम मलिक इलाके में ही 3 जगहों पर अपनी साइट पर काम कर रहे हैं। उन्होंने वेलकम थाने में लिखित शिकायत देते हुए कहा कि उन्हें सीलमपुर विधायक अब्दुल रहमान ने फोन करके न केवल धमकाया बल्कि उनसे 2 करोड़ रुपए की मांग की। शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में विधायक से अपने और अपने परिवार के जान को खतरा भी बताया है। सीलमपुर के विधायक है अब्दुल रहमान, जिन्होंने मुझे मेरे काम जो मैं बिल्डिंग का करता हूँ उसके रिकॉर्डिंग मुझसे बात की और मेरी 2-3 प्रॉपर्टी गिनवाई जो कि मेरी नहीं है। मैं उस पर कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा हूँ, उसके लिए उन्होंने मुझसे 2 करोड़ रुपए की डिमांड की। इनका मेरे पास टेलीफोन आया था 5:21 पे, जिसकी मैंने तुरंत 100 नंबर पे कॉल किया और उसके बाद में राइटिंग में मैंने लिख के एक एप्लीकेशन दी जो अंडर प्रोसीजर। मैं जस्टिस चाहता हूँ कि ये इस तरह के जो एलिमेंट है, और मैं यहाँ से राजौरी गार्डन मेरा डेली का अप एंड डाउन है, मैं इन्हीं सब चीज़ों की वजह से पिछले 35 साल से मैं इस कॉलोनी में हूँ। कभी ना मुझे कांग्रेस के लोगों ने या बीजेपी के लोगों ने कभी मुझे इस तरह से डिस्टर्ब नहीं किया जिस तरह से मुझे अब्दुल रहमान ने किया है, जो आम पार्टी का विधायक है। और इसकी इस तरह की 50 कंप्लेंट्स शायद और भी होंगी जो ये लोगों को परेशान करता है। इस पूरे मामले में सीलमपुर विधायक अब्दुल रहमान ने बातचीत कर बताया कि वह इस शख्स को सही से जानते भी नहीं, बल्कि उन्होंने क्षेत्र में रहने वाले एक शख्स की मकान बनाने में मदद की थी जिसे शिकायतकर्ता बनाने नहीं दे रहा था। विधायक ने बताया कि उन्होंने इस शिकायतकर्ता को फोन जरूर किया था लेकिन बातचीत शुरू होते ही उल्टा शिकायतकर्ता ने ही उनका करियर चौपट करने की धमकी दी थी। अजीब सी बात है कि मैं फोन करके किसी से एक्सटॉर्शन मांगा। मैं जानता नहीं उस शख्स को कौन है, मेरी कभी मुलाकात भी नहीं हुई। एक किसी शख्स का मकान बन रहा था वेलकम में, मेरी विधानसभा में नहीं है, वो मेरे पास मदद के लिए आया, मैंने उसकी मदद की, एमसीडी को बोला भाई घर बना रहा है यार। तो उसमें एक फर्दर कंप्लेंट जो कर रखी थी उसका पता नहीं लग रहा था, और फिर एक और कंप्लेंट हुई, उसके बाद उसका मकान सीलिंग करने के लिए आए, तो मैंने पता किया भाई ये आखिर क्यों कर रहे हैं आप ऐसा इस गरीब के साथ, क्या है। तो उसमें एक कंप्लेंट मिली, तो उस कंप्लेंट में मेरा भी नाम दे रखा था कि विधायक इसमें मदद कर रहा है अब्दुल रहमान, और कासिम कोई थे उनके नाम से वो कंप्लेंट थी, वो उस शख्स के ही दोस्त थे। मैंने उनको फोन किया, मैंने फोन तो ये कहने के लिए किया कि आप भी ये काम करते हो, ये भी ये काम करते हैं, क्यों आपस में इस तरह कर रहे हो, आपका भी मकान बना। तो मैंने उनसे पूछा, फोन किया, कासिम भाई बोल रहे हो? हाँ जी बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कहा भाई साहब ये मकान आपके बन रहे हैं, मैं उनसे यही कहने वाला था कि भाई आप भी बना रहे हो वो भी बना रहा है, क्यों आपस में नुकसान कर रहे हो कंप्लेंटबाजी करके। लेकिन एकदम वो मुझसे बोले तेरा कैरियर चौपट कर दूंगा। तो उस पर मेरी उनसे तेजम ताजी हुई, क्या लगे तुम उससे पैसे मांगने के लिए फोन करा? बस वो पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। और देखिए हमारे ऊपर तो इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान सी बात है, कोई भी लगा दे, लेकिन उन्होंने जो ये बेबुनियाद आरोप लगाया है, SHO वेलकम साहब का फोन आया था,
एसीपी साहब का फोन आया था, मैंने तुरंत वो रिकॉर्डिंग मेरे पास थी फोन में जो उनसे मेरी बात हुई, मैंने उनको तुरंत वो रिकॉर्डिंग मुहैया करा दी कि ये मेरी बात इस शख्स से हुई है पहली बार लाइफ में, ना कभी पहले ना कभी बाद में, मैं उसको जानता नहीं शक्ल से कौन है वो आदमी। और आज मैंने अपने वकील से एक लीगल नोटिस उसको भिजवाया है और मैं 2 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा कोर्ट में उस आदमी पर करूंगा कि उसने जो मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया इस तरह का बेबुनियाद इल्जाम लगा करके। तो लीगल नोटिस का वो जवाब दे, उसमें एक टाइम होता है कुछ 10-15 दिन का, उसके बाद में वो कोर्ट में केस फाइल होगा। सुना, वो जवाब दे, या तो वो साबित करें कि मैंने ऐसा कोई भी काम, मैंने तो 8 साल में काउंसलर रहा, मेरे इलाके में कोई नहीं बता सकता कि मैंने कभी किसी से 2 रुपए लिए, वो तो 2 करोड़ की बात कर रहे हैं, 2 करोड़ का तो उनका मकान भी नहीं होगा। तो वो तो, और फिर मेरी विधानसभा नहीं, मेरा वार्ड नहीं, कुछ नहीं, ऐसे बेबुनियाद इल्जाम उन्होंने लगाया, तो उसका जवाब कोर्ट में उनको देना होगा। दिल्ली दस्तक के लिए रवि डालमिया की यह रिपोर्ट।